देखिए, ये सभी को बताया कि कासगंज में जिस तरह से वारदात पेश हुई है और थाने के अंदर एक नौजवान बच्चे को मार दिया गया, ये सिर्फ उसी का दर्द हमारे अंदर है जो यहाँ तक झलक के हम आए रोड पर मजबूर हो गए आने तक। हम लोगों की डिमांड सिर्फ इतनी है, जो मुआवजे की बात करते हैं सरकार करती है और अपोजिशन करती है कि हम मुआवजा देंगे, तो मैं सवाल सिर्फ इतना है कि एक जान चली जाती है जान से, तो मुआवजे से क्या उसकी जो दर्द है, जो उसके घर का अकेलापन है, वो कम हो जाएगा? पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि अगर हम किसी उसके घर में से किसी को सरकारी नौकरी दे देते हैं, तो सरकारी नौकरी देने से ये हो सकता है कि उसका अकेलापन जो थोड़ा बहुत है वो कम तो नहीं हो सकता, लेकिन घर का जो काम काज का खर्चा वर्चा जो एक बाप अपने नौजवान बेटे से आस लगाता है वो पूरी होने की उम्मीद नजर आती है। लेकिन हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्ताफ के जिस तरह से हत्या की गई है, जिस तरह से मर्डर किया गया है पुलिस प्रशासन के थ्रू, और जिसमें इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों पर एक कार्रवाई हो और एक सीबीआई इंक्वायरी की हम मांग कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि जांच अगर सीबीआई इंक्वायरी करेगी तो हम समझते हैं बेहतर होगा। वैसे तो कहने वाली बात है, सरकार भी नहीं की, अदालतें भी नहीं की, कोर्ट कचहरी भी नहीं की, बस ये है कि हम आशा करते हैं कानून पे, क्योंकि हम संविधान से प्रेम करते हैं। तो बस हमारी अपील ये है कि अल्ताफ के लिए इंसाफ मिले और जो भी उसके कातिल हैं उसको सज़ा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। शुक्रिया।